हेलो दोस्तों, मैं मिलन कुमार, अपना यूट्यूब चैनल रविजन कंपटेटिव क्लासेज में आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन, एक फल विक्रेता में 5 रुपया में थोक की दर से 5 रुपया में थोक की दर से केला खरीदता है और 3 रुपया में चार के भाव से बेचता है, लाभ या हानि की गणना करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, हर उसमें हम रुपया लिखेंगे, इधर इधर लिखेंगे भाव, 5 रुपया में 6 की दर से, 5 रुपया में रुपया लगेगा 6 की दर से, और लिखेंगे फिर और ये खरीदता है 3 रुपया में 4 की भाव से, रुपया लिखे 3 रुपया 4 की भाव। अब यहाँ पर हम क्या करना है, देखिए नियम ट्रिक लिखिए, सबसे पहले टीचर ट्रिक से लिखे लीजिए, देखिए 5 का 20 36 18, देखिए वही भाव, भाव जो होता है करेंगे, एक बार हमेशा याद किया गया, भाव जो क्या होता है करेंगे, और रुपया देने क्या होता है देख रहे हैं। बीस बार किया था, 18 में बेच रहा है, बीस में क्या हो गया खरे मूल, 18 में क्या हो गया बिक्रे मूल, दोनों डिफरेंट कितना पड़ रहा है, 2 रुपया का खरे मूल बिक्रे मूल, 20 रुपया में किया था, 18 में बेच रहा है, टाइम में दो का गया हानि हुआ, हानि गुने 100, क्या हुआ मेरा हानि होगा, क्या कहा कि मेरे 20 रुपया में कीमत है 18 बजट है, 10% की हानि हुआ, मेरा आंसर बन गया आंसर। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फल विक्रेता में 10 रुपया में 12 भाव से खरीदता है, उसने 12 रुपया में 10 के भाव से बेचता है, ठीक, हर पर रुपया लिखे होंगे, रुपया यहाँ पे दर या भाव, 10 रुपया में 12 भाव से, 10 रुपया में 12 के भाव से, ठीक, 12 रुपया में 10 के भाव से, 12 रुपया में 10 के भाव से, रुपया में खाने का कितना लिखा हुआ, ठीक, देखिए यहाँ से गुना करेंगे हम, 10 में 10 क्या होता होगा 100 हो गया, 12 में 12 रुपया, ठीक, इधर क्या होता है, इधर क्रेडिट मूल्य का सी पोस्ट का इधर सेलिंग प्राइस प्राइस, ठीक हो गया। देखिए हम 100 रुपया में कीमत थे, यहाँ क्या हुआ क्रेडिट मूल्य, 144 हम बेचते क्या हुआ बिक्रय मूल्य, 100 रुपये में किए थे, 100 रुपये में बेचे, मेरा लाभ हुआ या हानि हुआ, मेरा लाभ हुआ, क्या कि 100 रुपये किए थे और 144 में बेचे थे, मेरा 44 रुपये का लाभ हुआ, लाभ और सूत्र उठा रही है, लाभ लाभ प्रॉफिट गुने लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस, बता ठीक, और देखिए लाभ बना 100 रुपये क्या था क्रय मूल्य था, 144 था बिक्रय मूल्य था, मैं कितना अंतर हुआ, दोनों के अंतर 44 रुपया, इतना कितना इतने रुपये क्या हुआ, मैं लाभ हुआ, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, मैं 44 रुपया लाभ हुआ, 44% लाभ हुआ।
मेरा वीडियो बन तैयार हो गया, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।